हमारा इंडिया का पहला। 1500 साल पुरानी ये तस्वीर। मस्त है यार, भाभी पहले के लिए लेके आया मुझे यार। देखो कहाँ तक पानी आता होगा जब ओवरफ्लो होती है गंगा जी। देखो कितनी बड़ी बड़ी स्टेप्स चढ़वाएंगी भाभी मुझसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो मेरे राजस्थान का वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको? वहाँ से मैं आ गई हूँ, एक हफ्ता मैं बीमार रही थी तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो आज बहुत अच्छा मौसम और धूप निकली हुई थी, खिली हुई। जब मैं घर से निकलने का मैंने प्लान बनाया, पर अब मैं रेडी तो हो ही चुकी थी, पर अब मौसम देखो कैसा हो गया है, पूरे बादल हो रहे हैं और ठंडा हो रहा है मौसम। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ चंडी घाट। ये मेन हमारी गंगा जी है जो ऋषिकेश से आ रही है, और यहाँ पे मतलब ये पूरा कहीं डिवाइड नहीं किया गया है इसे। तो ये मेन हमारी गंगा जी जाती है यहाँ से। तो यहाँ पे पानी का रंग ही कुछ अलग रहता है। ये देखो आप, मैं खुद पहली बार आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए इस जगह को। वहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है वो जो वहाँ पे दिख रहा है आपको। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। एक तो शांति बहुत है यहाँ पे, मज़ेदार हो रहा है, ठंडा हो रहा है। पर अगर हाँ आज धूप निकली होती तो और भी सुंदर लगता। तो ये है चंडी का पुल जो हम क्रॉस करके आए हैं। उस तरफ है चंडी देवी और सामने है मनसा देवी। देखो कितनी बड़ी बड़ी स्टेप्स चढ़वाएंगी भाभी मुझसे। मैं नहीं चढ़ रही, कभी गिर गए ना पीछे। तो आज हम आपको यहाँ चंडी घाट लेके आए थे। तो कैसा लगा आपको चंडी घाट? थोड़ा सा ही वीडियो बनाया मैंने, बाकी हम लोग इंस्टाग्राम के वीडियो बनाते रहे। और वो भी देखना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, और लाइक भी करना, फॉलो भी करना, सब्सक्राइब भी करना, थोड़ा सपोर्ट भी करना। तो अभी भाभी बोल रही कि एक और जगह लेके जाते हैं आपको। भाभी बोल रही थी ना बीच पे जाना है। नीचे 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 चल जाएंगे क्या? देखो तो मस्त है यार, शांत सा। आपको कैसा लगा भाभी? बहुत बढ़िया। जब आपको बहुत सही है, भीड़ भड़ाके से दूर अगर आपको रहना हो तो यहाँ आ सकते हो, और यहाँ पे स्नान भी कर सकते हो, ज्यादा भीड़ नहीं होती है और साफ पानी होता है बिल्कुल। हाँ तो अभी ना ही आए तो सही रहेगा। ठंडे में ज्यादा ठंडा नहीं लगता पता है गंगा जी का पानी। मस्त है यार, भाभी पहले के लिए लेके आया मुझे यार। कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे आके? बहुत ही सुकून मिल रहा है, मजा आ रहा है। नीला नीला पानी देख के और मौसम भी इतना मस्त हो रखा है आज। ओ ये वो देखो क्या मस्त लग रहा है वहाँ। अरे देखो यहाँ तक रेत आ रखा है भाभी, देखो भाई इतना पानी आता होगा। देखो कहाँ तक पानी आता होगा जब ओवरफ्लो होती है गंगा जी। तो मेन गंगा जी है ये। माय गॉड यहाँ तक पानी आता होगा, ये देखो जरा। पेंटिंग कितनी प्यारी है, अच्छी लग रही है ना। वहां पे सीढ़ियों पे बैठ के फोटो डल हो गई, लेकिन फोटो खिंचवा सकते हो मस्त। एक मंदिर के पीछे भी है बीच ना, वहाँ चलेंगे कभी। ये देखो जरा। तो अभी हम यहाँ जलपान ग्रह है चंडी घाट पे, वहाँ आए, पर वो बंद है, पर इंटरेस्टिंग है, देखने में बढ़िया लग रहा है। ये देखो यहाँ फोटो तो नहीं खिंचवानी अभी, पर अंधेरा आएगा थोड़ा ना, मतलब ऐसी डॉल्फिन होती हैं जो गंगा नदी में पाई जाती है। ये तो ये वाला पक्षी तो भी देखा मैंने बाहर, शायद वही है ना, इंडियन स्किमर। ये तो नहीं दिखता है, यहाँ दिखता है ये भी। हैं? यहाँ पे हम इससे आगे दिखता है। और ये सार्क है, ये वेस्ट बंगाल की तरफ पाई जाती है। तो ये तो मतलब सारी जो गंगा नदी से रिलेटेड है वही ये ना, एक्चुअली वर्ल्ड लाइफ का है। अच्छा, तो उसने क्या करा कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उन्होंने कहा कि आप जलीय जीवों के ऊपर सर्वे करिए। तो जो इसमें भागीरथी जी को दिखाया गया एक टांग पे तपस्या करते हुए, करीब से देख सकते हैं इसको ना। यहाँ पर ये शिव जी हैं, ये पार्वती है, और ये राजा भागीरथ एक पैर में चले और ऊपर से गंगा जटाओं में है। ये स्टोरी तो ये डीप है, गंगा कैसे पृथ्वी पे आई थी, तो
इसकी स्टोरी है। ये इंडियन 1500 साल पुरानी है। 1500 साल पुरानी है तस्वीर। अच्छा जी, कौन से मंदिर में है ये? कर्नाटक के बीजापुर में नावल फाड़ी एक गुफा मंदिर है। तो आप लोगों को कैसे याद है सब? अच्छा यहाँ लिखा है, अच्छा ये लिखा हुआ है। मैं वही याद भी हो गया। मैं वही कह रही हूँ। गंगा रोड के बारे में, गंगा 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। इस तरीके का तो यहाँ पे है आपका म्यूजियम और यहाँ पे शॉप भी है। बताओ, हमें पता ही नहीं। ये देखो भाई, खुशबू आ रही है। तो ये हमारा इंडिया का पहला, हाँ, नमामि गंगे का पहला म्यूजियम था यार, और हम लोगों को पता ही नहीं है। बताओ, हरिद्वार में रह रहे हैं हम लोग। हरिद्वार में शर्म आनी चाहिए, शर्म। इंडिया का पहला, मैं हरिद्वार में रह रहे हैं हम इतने साल से। 10 साल तो मुझे हो गए। भाभी आपको कितने साल हो गए? 14 साल भाभी को हो गए। बताओ बताओ बताओ। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं भाभी के घर और सब बाहर गए हुए हैं। मैं घर पर के लिए हूँ और आज हम पे डिनर करके जाएंगे। तो बहुत ठंड हो रहा है बाहर हरिद्वार में यहाँ पे। और आप लोगों की सिटी में कैसा हो रहा है आज के दिन, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे। और मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, उनका चंडी घाट कैसा लगा? आज हमें चंडी घाट के बारे में एक नई चीज़ पता चली कि वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है और इंडिया का पहला नमामि गंगे म्यूज़ियम है वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि गंगा में जो दुर्लभ जीव है, जो मतलब पाए जाते हैं, उनको कैसे बचाया जाए। और जो भी जीव जंतु जैसे कछुआ हो गया, इन सब चीज़ों को मतलब वॉलंटियर करते हैं बच्चे, कि वो सीखते हैं वहाँ पे कि अगर कोई मतलब आप देखें ऐसे दुर्लभ जानवर को, तो कैसे सेव किया जाए इन जानवरों को, मतलब जो दुर्लभ जीव्स हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि हमारे हरिद्वार में पहला नमामि गंगे म्यूज़ियम बना हुआ है, और उसमें गंगा को साफ कैसे रखना है इन सब चीज़ों के लिए बताया गया कि कैसे कर रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और क्या क्या बनने वाले हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। कभी भी आप लोग चंडीघाट जाए तो म्यूज़ियम ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक के बिना मेरा वीडियो थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, आप लोगों का सपोर्ट के बिना भी अधूरा रह जाएगा। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।